Assalamu alaikum. My name is Rana Hamadulkan and today I am going to discuss about Williamson's lenses. Williamson's lenses किसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? For example, अगर हमारे पास एक अल्कोहल है, हम अल्कोहल से इथर बनाना चाहते हैं, तो हम Williamson's lenses को इस्तेमाल करके अल्कोहल से इथर बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक अल्कोहल है, तो हम उससे इथर किस तरह बना सकते हैं? Williamson's lenses के थ्रू। तो for example, ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। जब भी हमारे पास एक अल्कोहल हो और अल्कोहल से हमने इथर बनाना हो तो हम विलियमसन सेंसिस के थ्रू इथर बनाना हो तो हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। हम इन दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल से इथर बन जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ऐसे करना होता है कि हमने इसका ये जो हमारे पास अल्कोहल है ये एक वीक एसिड है तो हमने इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाना होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस। हमने इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा देना होता है। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? सेकंड स्टेप में हमने इसका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाना होता है। जो हमारा जब हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल का हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनेगा, अल्कोक्साइड आयन बनेगा। तो हमने जो अल्कोक्साइड आयन बनेगा तो उसका हमने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देना है। विद अल्काइल हैलाइड जब हम इसका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो हमारे पास ईथर बन जाएगा। तो हमारे पास ये अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ हमने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हमने इसका रिएक्शन करवाना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस कैसी होती है? फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड हो गया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यानी फर्स्ट स्टेप में हमने ये जो हमारे पास अल्कोहल है इसका हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा देना है क्योंकि अल्कोहल जो है ये वीक एसिड है तो हमने इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा देना होता है। जब रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनता है। जब हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनता है तो हमने उसका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देना होता है तो हमारे पास ईथर बन जाता है। तो वह हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अल्कोहल था तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये होता है हमारे पास अल्कोहल। अब हमने क्या कहा? इसके दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा? फर्स्ट स्टेप में हमने इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाना होता है। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जनरल अल्कोहल है तो हमने इसका स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड के साथ हम रिएक्शन करवा देते हैं। सोडियम हाइड्राइड को देखते हैं, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल जो है ये हमारे पास वीक एसिड है, वीक एसिड का हमने स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्राइड उसके साथ रिएक्शन करवा दिया। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप में हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनेगा। तो ये जो हाइड्राइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हाइड्राइड जो है हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या बनेगा? अल्कोक्साइड ओ नेगेटिव। तो हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। ये होता है हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड में हमने क्या करना है? सेकेंड में हमने अल्कोक्साइड आयन का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देना है। हमारे पास ये अल्कोक्साइड आयन है, हमने इसका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है तो अब ये जो हमारे पास हैलोजन है, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन के मुकाबले में हाई होती है तो हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन की जो है कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैलोजन के मुकाबले में लो होती है जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कार्बन पे अटैक करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्टिंग है
ये हमारे पास अल्कोक्साइड आयन है, ये इस पर अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हैलोजन ले लेगी अपना, तो हैलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो रिजल्टिंग हमारे पास जो बना है उन्हें उसे हम कंबाइन कर लेते हैं सी एच 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 और हमारे पास आर ओ, तो ये हमारे पास इथर बन गया। तो इथर का जनरल फार्मूला आता है आर ओ आर, तो ये हमारे पास आर ओ आर बन गया, आर ओ आर, तो हमारे पास इथर बन गया। तो हमने हमारे पास दो स्टेप थे, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने इसका जो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अल्कोहल जो है ये वीक एसिड है, हमने सबसे पहले इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाना है, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्राइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो हमारे पास ये रिएक्शन हो जाता है। जब ये रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या बनता है, रिजल्टिंग हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनता है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमने अल्कोक्साइड आयन का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाना होता है, हमारे पास अल्कोक्साइड आयन है हम इसका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि ये जो मैकेनिज्म है ये एस एन टू मैकेनिज्म होता है, तो एस एन टू फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप जहां से लीव किया तो ये जो हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोफाइल है ये उसके ऑपोजिट साइड पे अटैक करेगा, तो ये हमारे पास हैलोजन यहाँ से रिमूव हुआ लेकिन ये जो नया न्यूक्लियोफाइल है ये इस जगह पे आके अटैक करेगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे आके अटैच होगा। तो ये एस एन टू मैकेनिज्म है। अब ये तो था एक जनरल अल्कोहल के लिए, अब हम इसकी एक कोई अल्कोहल लेते हैं फिर उसके साथ हम इथर को प्रिपेयर करते हैं। तो अब हमारे पास ये एक अल्कोहल है, अब हम इस अल्कोहल से इथर बनाएंगे, तो हम देखते हैं इस अल्कोहल से हम इथर किस तरह बना सकते हैं। तो हमारे पास दो स्टेप हैं, हमने इन दोनों स्टेप को फॉलो करना है, हमारे पास आराम से इथर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमने इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा देना है। जो हमने पहला एक जनरल अल्कोहल के साथ देखा था तो हमने सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया था, अब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो हम इसका रिएक्शन करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास है अल्कोहल, इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, रिएक्शन ऑफ विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा दिया, तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या बनेगा, रिजल्टिंग हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनेगा। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या बनेगा, रिजल्टिंग हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनेगा। तो ये हमारे पास बन गया अल्कोक्साइड आयन, तो ये हम यहां इसके डबल बॉन्ड रिमूव करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमने इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाया, स्ट्रॉन्ग बेस हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ली, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो हमारे पास जो अल्कोहल है अल्कोहल के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, उस पर अटैक क्यों करेगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है अल्कोहल का इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये अटैक हो जाता है तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या बनता है, रिजल्टिंग हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनता है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमने अल्कोक्साइड आयन का रिएक्शन करवाना होता है अल्काइल हैलाइड के साथ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अल्कोक्साइड आयन है, हम अल्कोक्साइड आयन ले लेते हैं, ये हमारे पास अल्कोक्साइड आयन है, तो डबल बॉन्ड इसके लगा देते हैं यहाँ पे, उसके बाद अल्कोक्साइड आयन हो गया हमारे पास। अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है अल्काइल हैलाइड के साथ, हम अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड आ गया, ये हमारे पास अल्कोक्साइड आयन है, अल्कोक्साइड आयन का रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो रिजल्टिंग हमारे पास इथर बन जाएगा। इथर किस तरह बनेगा, हमारे पास ये जो हैलाइड है हैलाइड पे चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे जो है इस चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, अल्कोक्साइड आयन पे अल्कोक्साइड आयन का जो ऑक्सीजन है इस पे होता है नेगेटिव चार्ज,
ये नेगेटिव चार्ज होता है इस, और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये कार्बन पे अटैक करेगा, यानी यहाँ पे न्यूक्लोफाइल अटैक होगा, न्यूक्लोफाइलिक अटैक टेक प्लेस होगा, ये अटैक यहाँ होगा, तो हमारे पास ये SN2 मैकेनिज्म होगा और ये हमारे पास सेकंड स्टेप होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा और सेकंड स्टेप होगा। ये जो अटैक है ये ऑपोजिट साइड से होगा, लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से अटैक होगा, तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या बनेगा, जब ये अटैक हो जाएगा तो ये देख, तो यहां से ये लीविंग ग्रुप जो है ये लीव कर जाएगा, क्लोराइड आयन जो है यहां से लीव कर देगा, तो हमारे पास रिजल्टिंग जो है यहां पे जो इथर बन जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग इथर बन गया, इथर का जनरल फार्मूला रहता है आर ओ आर, तो ये हमारे पास बन गया आर ओ आर, तो हमारे पास इथर बन गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हमने देखा कि हम विलियमसन सेंसेस को यूज करके किस तरह अल्कोहल से इथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो स्टेप हैं, सिर्फ दो स्टेप को फॉलो करेंगे हमारे पास अल्कोहल से इथर बन जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमने उसका रिएक्शन करवाना होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें हम सोडियम हाइड्राइड आ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाना होता है। जब रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनता है, जब अल्कोक्साइड आयन बनता है तो उसका हमने रिएक्शन करवाना होता है अल्काइल हैलाइड के साथ। जब अल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करवा देते हैं तो अल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड ग्रुप है वो लीव कर देता है, जैसे क्लोराइड आयन है ये लीव कर देता है, तो हमारे पास रिजल्टिंग जो है वो इथर बन जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आप इस वीडियो में किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए मजीद ऐसी वीडियो बना सकें। थैंक यू।